मिक्स लैंड यूज इलाकों को भी मिल सकती है इंडस्ट्री चलाने की मंजूरी। लुधियाना में वर्तमान समय तक 27 कंपनियों को पीपी किट व 2 कंपनियों को N95 मास्क बनाने की सिट्रा व अन्य अधिकृत एजेंसियों से मान्यता दी गई है, लेकिन बिना मान्यता प्राप्त इकाइयां पीपी किट व मास्क का निर्माण कर अगर प्राइवेट बाजार में बेचती हैं तो इस पर उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। ये जानकारी GM DIC महेश खन्ना ने दी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री की निरंतर मांग पर जिला प्रशासन मिक्स लैंड यूज एरिया की इकाइयों को चलाने पर विचार कर रहा है। वहीं अन्य इलाकों में स्थित इंडस्ट्रीज को भी अब इंडस्ट्री चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री केवल पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन भरते हुए इकाइयों को चलाने की मान्यता ले सकती है। वही पीपी किट व मास्क की सिट्रा अप्रूवल से लेकर ऑर्डर लेने तक DIC विभाग की कोई भूमिका नहीं है। वे महामारी के इस संकट में केवल एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का कार्य कर रही है। विभाग के GM खन्ना ने और क्या क्या कहा, आइए जाने। अब जिहड़ा नवां नोटिफिकेशन आया उहदे च DC साहब ने जिहड़ा ऑर्डर किया उहदे च यह है कि इंडस्ट्री कोई भी जिहड़ी फोकल पॉइंट है इंडस्ट्रियल एरिया है या अप्रूव्ड मास्टर प्लान के हिसाब नाल है उहदे च अपना सिंपल डैक्लरेशन फाइल करेगी। डैक्लरेशन फाइल करके इंडस्ट्री अपने वर्करस नूं पास इशू कर सकती है। अपने वर्करस नूं उहदा टाइम पीरियड भी नोटिफिकेशन फिक्स किया कि 5 सवेरे 7 तों 9 दे विच वर्कर मूव कर सकदा वा, शाम नूं 5 तों 7 दा वो आउट जा सकदा वा। वो पासिस जड़े अपने ID कार्ड या पासिस जो भी उन्होंने देना है अपने वर्कर दे सकते। आप जरा मैनेजमेंट वाला है या मैनेजर है गया वो पास ID कार्ड के बेस से मूव कर सकते। पास तो इलावा होर केड़े उन्होंने अंदर अपनी फैक्ट्री दे विच नॉर्म्स फॉलो करने की लोड़ है? बाकी तो जड़े कोविड की सारी गाइडलाइन है जिम्मे सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, एक थर्मामीटर वगैरह ना जो टैंपरेचर चेक करना वा, तो फ्यूमीगेशन रेगुलर फ्यूमीगेशन करनी है, फूड वगैरह हाइजीन बंदे कट्ठे ना होने एक थान पर वर्कर कट्ठे ना हो, जो नॉर्म्स है सारी गाइडलाइन द्वारा वर्कर्स की इंश्योरेंस वगैरह के रिगार्डिंग जो गाइडलाइन है सारी गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन उन्होंने कंप्लाई करनी है। लेबर दे वापस जाने दे लिए एक प्रक्रिया चल रही है कि लेबर रजिस्ट्रेशन वो भी तुहाडे थ्रू नहीं, वो साडे थ्रू, वो साडे थ्रू नहीं है जी। लुधियाना दे विच किन्नी कंपनियां नु पीपी किट या N95 मास्क या मास्क बनाने दी अप्रूवल मिली है? जेडी आज तक साडे को रिपोर्ट आई है 28 कंपनीज दे पीपी किट दे सैंपल जेडे अप्रूव हो चुके है, चाहे वह सिट्रा तो मोस्टली सिट्रा तो आए है, कुछ DRDO तो भी आए है, कुछ कानपुर तो भी आए है। अच्छा, DRDO तो कानपुर तो भी अप्रूवल? हाँ जी हाँ जी, वो मान्य है सिट्रा के बराबर ही। देखो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जी दिते है ता ही वो नोटिफिकेशन हिसाब से सैंपल भेजे गए थे। मैक्सिमम जी सिट्रा तो? मैक्सिमम सिट्रा तो आए है। DRDO दिल्ली है, इन्हों का ऑफिस है डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो उत्थे सैंपल टेस्ट करते हैं। मास्क भी उन्होंने तो अप्रूवल हो सकता है? मास्क नहीं, मास्क इन्हों का DRDO दे ग्वालियर जाते हैं, तो मास्क जड़े है साढ़े N95 दो कंपनी N95 होए है, एक N99 होया। जी नॉर्मली जी कोविड के अंडर जी प्रक्योर है अप्रूवल है वो सिट्रा ता ही कर रही है कि डॉक्टर्स वगैरह ने इन्हों जो पेशेंट अटेंड करने उन्होंने मतलब कोविड वेरिएंट हाँ, बिल्कुल आम आदमी नो ए वाली किट आम आदमी नो नॉर्मल भी ले सकता है। मैं टेक्निकली मैं बता जवाब नहीं दे सकता, पर एक एज अ लेमैन समझ यही आता है कि आम आदमी नो किट की जरूरत नहीं है। सरकार किस रेट से ये किट ले रही है, किस रेट से ऑर्डर ले रही है? ये जेड़ा जिन्ने को सानू इन्फॉर्मेशन जो जिन्ना नो ऑर्डर आए उन्होंने दसया 635 रुपए के हिसाब ना HLL प्रोक्योर कर रही है इनना को। HLL की फुल फॉर्म की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आधार है जी, इदा फुल फॉर्म नहीं, जो ऑर्डर आए हैं उही दस रहे हैं। ये ऑर्डर्स वगैरह आए हैं इदे विच पूरा सिट्रा सर्टिफाइड लैन तो लेके ऑर्डर लैन तक DIC डिपार्टमेंट की भूमिका की है? DIC दा सिंपल फैसिलिटेट कर रही है जी सैंपल भेजन विच, बस दैट्स ऑल। उस तो बाद कोई प्रोक्योरमेंट भी साडा लैन देन नहीं है, कोई इदा कोई ये नहीं है कि असी ऑर्डर लेके दे रहे हैं या असी टेंडर विच पार्टिसिपेट करें, कुछ नहीं करा रहे तो किसी तरीके दी नहीं, सिंपल असी फैसिलिटेशन है जी सैंपल विड्रॉ करन तो सैंपल सबमिशन तो लैके सैंपल अगे भेजन तक, बस दैट्स ऑल। क्योंकि पिछे जदों करफ्यू पीरियड सीगा उदों मूवमेंट टोटल रिस्ट्रिक्टेड सीगी,
आम एंटरप्रेन्योर का सैंपल दिल्ली पहुँचाना या सिट्रा कोयम्बटूर पहुँचाना थोड़ा मुश्किल से, इस करके डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिता कि सैंपल इकट्ठे करके एक थान पर डी आई सी पहले तो सैंपल चंडीगढ़ों गए थे, बाद डी आई सी सैंपल इकट्ठे करके असी इतों दिल्ली तक पहुँचाते, चाहे एक बंदे नूं पास दे के पहुँचाते सके, कोई एंटरप्रेन्योर चल जाता सीगा या उसका वहीकल चल जाता सीगा दिल्ली, और दिल्ली तो अगे फिर टैक्सटाइल मिनिस्ट्री की कोऑपरेशन के नाल एक कोयम्बटूर बाय एयर जाते सके। सो ये डायरैक्टली रिपोर्ट्स भी जो एंटरप्रेन्योर को आ रही हैं, साडा रिपोर्ट्स भी असी एंटरप्रेन्योर तो पूछ रहे हैं कि सैंपल अप्रूव हो गया कि नहीं हो गया, सानू डायरैक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब बड़ी कन्फ्यूजन जी क्रिएट की जा रही है कि पता नहीं डी आई सी का की रोल है। डी आई सी का रोल सिंपल फैसिलिटेशन का, ना डी आई सी ने सैंपल पास कराने हैं, ना डी आई सी ने सैंपल अप्रूव कराने हैं, ना डी आई सी ने ऑर्डर दवाना है, डी आई सी का होर कोई रोल नहीं है। खाली लोकल इंडस्ट्री एक नवी ट्रेड आ गई, टैक्नीकल टैक्सटाइल का काफ़ी जोर चल रहा है, साड़ी पॉलिसी सीगा पर उदों इंडस्ट्री बहुत ही अगे नहीं आई, पर एक अपरचुनिटी है इंडस्ट्री ने इनू लोड़ के अनुसार अपने डिवेलप भी किया, और जिन्होंने डिवेलप किया साडा एक फर्ज बनता सी, मोरल रिस्पोंसिबिलिटी भी सी कि असीं उन्हां दा अगे सैंपल भेजवाण विच उन्हां नूं मदद करदे आ, असीं ओह मदद कीती है। और जिहड़ी कन्फ्यूजन जी क्रिएट कर रहा कोई भी बंदा कर रहा है, प्लीज़ वो ना करो, असीं बड़ा अपने साडे स्टाफ ने बड़ी जी जान नाल इंडस्ट्री की मेहनत की है। ये बारे मैं कोई कमेंट नहीं करांगा जी, ये तो बायर और सैलर का अरेंजमेंट है। हाँ, टी शर्ट बाजार के 80 रुपए की भी है, टी शर्ट बजाज 2000 रुपए की भी है, उन्होंने मैं नहीं कमेंट कर सकता, हर बंद नहीं सा कोई प्राइस से कंट्रोल नहीं है जी। नहीं मैं ये बारे कुछ दस ही नहीं सकता जी, मैं कोई बंदा किट लै क्यों रहा है यो जानता है, उन्हें किस रेट से लैनी है, कितों लैनी है, ओपन मार्केट है। इनफॉर्मेटिव यो ही है जी कि मिक्स लैंड एरिया भी हाले डिसीजन नहीं लिता गया कोई भी, हाले उत्थे इंडस्ट्री हाले नहीं चल सक रही, रेजिडेंशियल एरिया नहीं चल सकती। हाँ, कुछ इंडस्ट्री नूं असी पहले एसेंशियल कमोडिटीज़ ऐसी है जिन्होंने अलाउ किया सीगा, वो एसेंशियल कमोडिटीज़ वाले चली जा रहे हैं, उन्होंने जिहड़े पहली परमिशन वो एक्सटेंड हो गई 17 तक ऑटोमेटिकली, कोई मैनुअल एक्सटेंड नहीं की, डी सब के ऑर्डर ने ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई हैं। तो एक जड़ी साड़ी जड़ी वैबसाइट हैगी है वो पहले असी GMDIC लुधियाना एक मेल एड्रैस बनाया सीगा, वो मेल एड्रैस से असी मेल लेंदे सी, उत्थों रिवर्ट जांदा सी, हुण पोर्टल बन गया, पोर्टल उत्ते फैसिलिटी क्रिएट कर दी गई है PBIndustries.gov.in। जो भी कोई एंटरप्रेन्योर उत्थे जाके रजिस्टर करता है उत्थे वो डैक्लरेशन आ जाता, डैक्लरेशन तुसी सबमिट कर सकते हो, डैक्लरेशन तो बाद तुसी अपना अगे काम कर सकते हो, उहदे च कोई अप्रूवल नहीं आएगी तुहानू, कोई कम्युनिकेशन नहीं आएगी। अगे कन्फ्यूजन काफ़ी इंडस्ट्री च भी है कि सानू कोई जी अप्रूवल नहीं आई या अप्रूवल देंगे, अप्रूवल कोई नहीं देनी, सिंपल इंटीमेशन है, इंटीमेशन तो बाद वो अपना यूनिट शुरू कर सकता है। अगे बल्क पासिस असी इशू कर रहे थे कल तक, अज के ऑर्डर हिसाब ने बल्क पासिस की भी लोड़ नहीं है, वो जरा एंटरप्रेन्योर है वो अपने वर्करस नू पास आप इशू करेगा। रिप्रेजेंटेशन आई है डी साहब ने, मेरे ख्याल मामला टेकअप किया, सीएम साहब ने ता ही सेंट्रल गवर्नमेंट नूं लिखा है, उसका जिदा भी फैसला आएगा वो हो जाएगा जी, उसका जो भी डिसीजन आएगा, क्योंकि ये ऑर्डर जरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आ रहे हैं। Watch Daily Hitachi, Voice of Nation.